Hello friends, welcome to Wikipedia. Today we are going to discuss judgment of Supreme Court on Jammu and Kashmir. As we already know, in August last year, Center redefined the relation of J&K with India. Article 35A was scrapped. स्क्रैप कर दिया गया और आर्टिकल 370 वॉज यूज टू स्क्रैप आर्टिकल 35A. व्हाट आर्टिकल 35A वॉज, आर्टिकल 35A J&K को स्पेशल राइट्स दे रहा है रिगार्डिंग लैंड, देयर प्रोफेशन, एजुकेशन एंड ऑल सोर्सेज, जिससे J&K को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था. और लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट रिपील्ड आर्टिकल 35A. And what was used to repeal? Article 370. Special status diya gaya when J&K signed letter of accession with India. Jab J&K Bharat mein aaya, ek unhone ek letter of accession sign kiya, jisse usko special status diya gaya. Aur is special status mein kuch apne hi special rights diye gaye. Par kyunki central government ne last year usko repeal kar diya, राइट्स भी रिपील हो गए. इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट रिपील ऑफ राइट्स एंटिसिपेट किया गया कुछ वायलेशन होगी, कुछ वायलेंस होगी, कुछ लोग प्रोटेस्ट करेंगे. और उन प्रोटेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट मेजरली इम्पोज्ड टू रिस्ट्रिक्शंस. कौन सी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर? एक इंटरनेट पे और एक सेक्शन 144A. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 144A. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सेक्शन 144 को रिवोक कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए. इट शुड बी यूज्ड नॉट ऑन रेगुलर बेसिस. व्हाट सेक्शन 144A? सेक्शन 144A प्रोहिबिट्स द असेंबली ऑफ फोर और मोर देन फोर पर्सन्स. चार या चार से ज़्यादा लोग आपस में नहीं मिलेंगे. ये इसलिए लगाया गया, उस टाइम पे आर्टिकल 35A एब्रोगेट किया गया, स्पेशल राइट्स लिए गए और एक एंटिसिपेट किया गया कि कहीं ना कहीं कुछ किसी तरीके की देर शुड बी, देर कैन बी सम वायलेंस. तो सेक्शन 144A लगा दिया गया कि लोग कहीं भी इकट्ठे नहीं होंगे जिससे कुछ किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट और वायलेंस हो चुके. आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ख़त्म कर दिया जाए और इसको इतना रेगुलरली यूज़ ना किया जाए. क्यों कहा? सेक्शन 144A से पीपल वर कन्फाइंड टू देयर हाउसेस, घरों में रह गए, बाहर नहीं निकल पाए, जिसके कारण उनका ट्रेड कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू ट्रेड हैज़ बीन अफेक्टेड एंड इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(g). सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 144 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(g) की वायलेशन करता है. लोग अपने घरों में सीमित रह गए, वो बाहर नहीं निकल पाए और वो अपना बिजनेस और डेली वेजेस के रिलेटेड कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे. क्लियरली स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस मिली कि इसको रिव्यू किया जाए और रिव्यू करके दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड विद इन 7 डेज. रिव्यू करने के लिए एक केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में. जो केस फाइल किया गया था, इट वॉज फाइल्ड बाई कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद एंड एग्जेक्टिव एडिटर ऑफ कश्मीर टाइम्स अनुराधा. ये दोनों ने इंटरनेट को लेकर और सेक्शन 144 को लेकर एक केस फाइल किया था, लिटिगेशन हुई थी, जिसके रिलेटेड आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई. वाइल हियरिंग दैट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट सेक्शन 144A को एक बार द्वारा इसके बारे में रिव्यू किया जाए एंड दैट शुड बी डन विद इन 7 डेज. मीन्स सेक्शन 144 कहीं ना कहीं पे फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन कर रहा था और जो फंडामेंटल राइट विच हैज़ बीन वॉयलेटेड इस आर्टिकल 19(1)(g). सेकेंड, कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, इंटरनेट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंटरनेट
इज अ फंडामेंटल राइट. पिछले साल से अब तक राइट टू इंटरनेट या इंटरनेट हैज़ बीन सस्पेंडेड इन J&K. कुछ हिस्सों में इन्होंने कुछ अभी अब कंटिन्यू किया, अदरवाइज इट हैज़ बीन सस्पेंडेड अप टू अ मेजर एक्सटेंट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंटरनेट इंटरनेट इज़ फंडामेंटल राइट एंड इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड. सस्पेंड नहीं किया जा सकता. एक्सेप्शंस आर देयर, तब सस्पेंड किया जाए जब हमें कुछ एंटिसिपेशन हो कि कुछ वायलेंस होगी. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ऑन इमीडिएट बेसिस एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में इंटरनेट इमीडिएटली रिवोक किया जाए और बाकी सेक्टर्स के लिए विद इन 7 days सबमिशन की जाए सुप्रीम कोर्ट में कि ये वाई इट शुड नॉट बी रिवोक्ड, वाई इट शुड बी सस्पेंडेड इन अदर मेजर सेक्टर्स एंड दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड विद इन 7 days. आज एक नया इन्होंने डिफाइन कर दिया कि राइट टू इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इट इज़ वायलेशन ऑफ टेलीकॉम रूल्स. And it should be extraordinary measure. Means हम internet को the way we want we cannot suspend. It should be an extraordinary measure. And if it is suspended for a longer period, it is violation of telecom rules. There is one digital rights group, Access Now. It has also proven that digital group has proven that the suspension of fundamental right in any democracy is longest in India. मतलब इतनी देर कहीं भी इंटरनेट सस्पेंड नहीं हुआ जितनी देर हमारे हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि ये फंडामेंटल राइट है और टेलीकॉम रूल्स की वॉलेशन करता है. एंड वॉट टेलीकॉम रूल्स से एक देर इज़ वन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 जिसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम राइट्स एक नोटिफिकेशन जारी की थी लास्ट ईयर जिसके अनुसार दिस इंटरनेट कैन बी सस्पेंडेड फॉर लॉन्ग पीरियड. पर जो टेलीग्राफ एक्ट और ट्राइज की प्रोविजंस कहती हैं कि ट्राई और डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन शुड स्ट्राइव देयर बेस्ट टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज, कहीं ना कहीं उसकी वॉयलेशन हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा. सुप्रीम कोर्ट हैज सॉर्ट ऑफ रेप्रीमांडेड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स ऑल्सो. मजिस्ट्रेट्स को कहा कि उनको दे हैव टू अप्लाई देयर माइंड वाइल इशूइंग ऑर्डर्स रिलेटेड टू सस्पेंशन. वो सस्पेंशन ऐसे नहीं कर पाएंगे, उनको कहीं ना कहीं अपना माइंड की एप्लीकेशन और दे नीड टू फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. What is doctrine of proportionality? Proportionality means something in balance. Basically, there are two things, means and objective. Means ki application se we achieve our objectives. There should not be any illegal means to achieve right objective. Supreme Court ne kaha ki doctrine of proportionality should be followed by executive magistrates to suspend all rights. According to this, fairness and justice should be considered. Means, जो means adopt कर रहे हैं और जो objective we want to achieve, they should be in balance. मतलब there should not be any imbalance between means and objectives to be realized. This is doctrine of proportionality. और Justice Raman ने A Tale of Two Cities को, there is one book, Tale of Two Cities by Charles Dickens, उसका reference देते हुए कहा कि liberty and security are always at loggerheads. दोनों अपने कहीं ना कहीं किनारे पे रहेंगे. एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि फंडामेंटल राइट्स उन्होंने प्रोटेक्ट करने हैं. आज की जजमेंट से हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड कि दिस इंटरनेट शुड बी रिवोक्ड स्पेशली इन एजुकेशन हेल्थ सेक्टर्स. एंड जहाँ पे वो सस्पेंड किया है
इसकी रिपोर्ट नीड्स टू बी सबमिटेड विद इन 7 डेज और आगे जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे दैट नीड्स टू बी टाइमली रिव्यूड. सेक्शन 144 को आर्बिट्रेली अप्लाई नहीं किया जा सकता एंड दे इट शुड बी अप्लाइड नॉट रेगुलरली और एंड इट शुड बी अप्लाइड व्हेन देर इज सॉर्ट ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ वायलेंस. जब हमें लगे कि कुछ ना कुछ वायलेंस हो सकती है तो हमें सेक्शन 144 को इम्पोज करना चाहिए. आज के जजमेंट ने कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को डॉक में खड़ा कर दिया है. इट हैज़ पुट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डॉक. अब देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में क्या आगे रिव्यूज लेकर आती है. थैंक्स. शेयर दिस वीडियो.